Hello students, myself Ranjana Verma from St. Michael's Academy. In this video, I am going to teach class 5th maths. In previous video, already I have discussed different ways of finding the LCM. LCM by prime factorization method, LCM by short division methods. Today we will discuss facts about SCF and LCM. आज हम लोग ये इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि SCF एंड LCM, facts about SCF and LCM. पहले हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे. यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया हुआ है, द SCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज वन. को प्राइम नंबर इसमें क्या होता है कि हम लोग निकालते हैं इसका 4 एंड 15, इसमें कॉमन क्या होता है, वन होता है. ओनली कॉमन फैक्टर इज वन. ये 4 का ये क्या हो गया, हम लोग निकाले फैक्टर तो 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1, इसमें कॉमन क्या हुआ, 1. द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट. 8 एंड 17 ये आर को प्राइम. ये 8 और एंड 17 हम लोग पढ़े थे, ये पावर द नेशन. ये 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है, और 17 1 टाइम्स है. तो हम लोग इसको अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 17 1 जा 17. तो हम लोग 2 पावर 3 यहाँ किए हुए हैं और 2 इंटू 17 करेंगे हम लोग इसको. तो ये 2 को कितने बार, 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 8 इंटू तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 17 तो 136. इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ पे एक्सरसाइज 4C, फाइंड द SCF एंड. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 82 एंड 170. तो हम लोग का इसको इसमें क्या फाइंड करना है, SCF और LCM. तो यहाँ SCF और LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका SCF फाइंड करेंगे. तो यहाँ 82 और 170 का SCF हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग को कितना आया है, 2. ठीक है, तो SCF ऑफ 82 एंड 170 इज इक्वल टू 2. अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, LCM. ये SCF हो गया और LCM. LCM 82 और 170. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय SCF ऑफ द टू नंबर्स. तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, 82 एंड सेकेंड नंबर क्या हो गया, 170 हम लोग को. और ये क्या आया, SCF कितना आया, 2 आया. तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे. वी विल गेट 6970. आप इसको काटोगे, ठीक है. यहाँ मैंने काटा है 2 8 16 और 2 5 10, 82 एंड 85 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6970. ओके, दिस इज आंसर. सेकेंड क्वेश्चन SCF. सेकेंड क्वेश्चन, गिविन द SCF ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2187, डिटरमाइन द LCM. यहाँ हम लोग SCF दिया हुआ है, SCF ऑफ टू नंबर. हम लोग जो SCF यहाँ फाइंड किए हैं तो हम लोग को यहाँ 2 आया था. तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में SCF हम लोग के पास है. SCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 27 एंड देयर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कितना है, इसका प्रोडक्ट है 2187. तो हम लोग को LCM फाइंड करना है. तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय SCF. तो इसको हम लोग डिवाइड किए, वी विल गेट आंसर 81. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 15 एंड 1995 रिस्पेक्टिवली. इफ वन नंबर इज 105 तो डिटरमाइन द अदर नंबर. इसमें हम लोग के पास क्या है, SCF एंड LCM है. वी हैव SCF इज इक्वल टू 15 एंड LCM 1995. तो फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, 105. तो हम लोग को अदर नंबर फाइंड करना है. तो देयरफॉर सेकेंड नंबर SCF इंटू LCM बाय फर्स्ट नंबर. तो हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए SCF एंड LCM और ये फर्स्ट नंबर. तो हम लोग इसको कट करेंगे, 15 7 जा 105 और फिर 7 से हम लोग 285 से इसको कट करेंगे. ओके, दिस इज आंसर. फोर्थ क्वेश्चन, वेरीफाई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स. हम लोग को इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF एंड LCM.
मीन्स ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट, और इसका प्रोडक्ट जो एसीएफ हम लोग फाइंड करेंगे और एलसीएम जो फाइंड करेंगे उसका प्रोडक्ट. ओके तो हम लोग कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, एसीएफ ऑफ 15 and 3, इसको इसका एसीएफ हम लोग को कितना मिलेगा, 3, 3, 3, 5 या 15, तो यानी इट मीन्स ये क्या हो गया, एसीएफ हो गया. एलसीएम ऑफ 15 and 3, तो इसको हम लोग एलसीएम किए तो 3, 5 and 3, 1 तो ये क्या हो गया 3, 5 यानी कि इसका एलसीएम हो गया 15. तो ये हम लोग को इक्वल करके दिखाना है. तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 into 3, तो क्या हो जाएगा 45. और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ देयर एसीएफ एंड एलसीएम, ये 3 and 15 हम लोग का ये मिला, एलसीएफ मिला और एलसीएम मिला. तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है. तो 15 into 3 and 15 into 3 is equal to 45. इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है. वैसे ही बनाओगे आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2688 एंड देयर एलसीएफ इज 4. फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स. यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2688 है एंड देयर एलसीएफ इज 4. तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग उसको लिख लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2688 और एलसीएफ इसका कितना आया है, एलसीएफ कितना यहाँ दिया हुआ है 4. तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम. तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएफ. इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड किए तो हम लोग को ये कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 24 4 7 ये 26 है तो ये कितना बचा 28 यानी कि 4 7 and 4 2 8. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 27 36 and 57 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस. इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको एलसीएम निकालना है. इट मीन्स हम लोग को यहाँ देखना है कि ये कौन, ये नंबर किस नंबर से ये डिविजिबल है. तो 27 36 57, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 3 12 जा और 3 19 जा. फिर इसको हम लोग 3 से किए तो ये इतना करने के बाद हम लोग को ये क्या करेंगे, ये हम लोग एलसीएम को देखेंगे इस नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है. और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ कह रहा है कि रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस. तो यानी कि 5 क्या हो जाएगा, उसमें ऐड करेंगे. देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी 5 मोर देन देयर एलसीएम. एलसीएम 27 36 56 इज इक्वल टू, ये जो हम लोग एलसीएम फाइंड किए उसको लिखेंगे तो ये हम लोग को इतना मिलेगा. और उसमें हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर कितना है, 5 है. सो वी विल एड 2015 + 5 2057. ओके विल गेट आंसर. ओके चिल्ड्रन, ऑल क्वेश्चंस आंसर डू इन होमवर्क कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.